चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स पढ़ना। प्यारे छात्रों, जो हम लोग पिछले दिन जो फिजिक्स का वीडियो जो शूट किए थे ना, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से 1 किलोवाट घंटा को हम लोग प्रूफ नहीं कर पाए थे कि 3.6 × 10^6 जूल कैसे होता है। यानी कि अगर हम लोग वहां वाला वीडियो देखिएगा तो 1 किलोवाट घंटा को प्रूफ करना था 3.6 × 10^6 जूल होता कैसे है, तो यही चीज प्रूफ करने वाले थे, कर ही रहे थे, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण वो वीडियो आगे के नहीं शूट कर पाए थे। तो चलिए अब हम लोग इसको पूरा ही कर लेते हैं। आप LHS से देखेंगे कि LHS में क्या है, 1 किलोवाट घंटा है, K4 किलोवाट आवर। इसको हम लोग 1 किलोवाट को अलग लिख सकते हैं, 1 घंटा को अलग लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जैसे 1 केजी में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है 1 केजी में, वैसे ही 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। और 1 घंटा में तो आपको पता ही होगा कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। परंतु प्यारे छात्रों, समय का जो ऐसा मात्रक है वो न तो घंटा होता है न ही मिनट होता है। समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इसलिए हम लोग इसको मिनट को क्या चीज में बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आगे। तो 1000 वाट गुना, अब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो यहां क्या हुआ, 60 गुना 60 करेंगे तब ये सेकेंड में बदला जाएगा। तो टोटल मिलाकर 1000 वाट × 60 को 60 से मल्टीपल करेंगे तो 3600 हो जाएगा सेकेंड। और टोटल मिलाकर अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 पर टोटल 3 और 2 5 0 होगा, यानी कि 36 पर 5 0 वाट सेकेंड। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 36 × 10^5, क्योंकि 5 वो है कौन सी, तो वाट सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ 36 है तो 36.0 ना है, 36 का मतलब क्या, 36.0। अब पॉइंट को जैसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहाँ पे पावर जो है बढ़ता है, यानी कि अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड लाते हैं तो पावर जो है बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे पॉइंट है 36 के बाद, अब हम लोग एक अंक के बाद इधर लाते हैं 3.6, तो यहाँ 5 के बजाय 1 बढ़ेगा, क्योंकि 1 डिजिट इधर ला रहे हैं। अगर इस पॉइंट को हम लोग यहां लाते तो 0.36 लिखते तो यहाँ पावर 7 हो जाता। तो इसको देखकर 3.6 × 10^6 हो जाएगा, और वाट सेकेंड को ही हम लोग क्या लिख देंगे, जूल लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग का प्रूफ हो गया कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10^6 जूल होता है। ये कल छूट गया था, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे की हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे कि आगे टॉपिक्स क्या है। चलिए अब हम लोग आगे का टॉपिक्स पढ़ेंगे, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। चलिए अब कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है उसके नीचे फर्स्ट आर जैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी के अधिकतर उपकरणों में कार्बन प्रतिरोधों का उपयोग होता है जिनकी शक्ति 1 वाट से भी कम हो सकती है, जिनकी शक्ति 1 वाट से भी कम हो सकती है तथा इनके प्रतिरोधों का मान रंगीन संकेतों द्वारा प्रदर्शित या चिन्हित किया रहता है
प्रदर्शित या चिन्हित किया रहता है जिसे कलर कोड कहा जाता है, जिसे कलर कोड कहा जाता है। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे नेक्स्ट एरो, निम्नलिखित कार्बन प्रतिरोधों का कलर कोड, निम्नलिखित कार्बन प्रतिरोधों का कलर कोड निम्नांकित है। यानी कि एक तरफ ये तो लिखें कि निम्नलिखित कार्बन प्रतिरोधों का जो कलर कोड है वो निम्नांकित है, निम्नांकित का मतलब नीचे अंकित है। अब क्या क्या है, तो एक तरफ लिखिएगा कलर यानी कि रंग, और उसके तरफ लिखिएगा उसका मान कि किस रंग का अगर कलर रहेगा उसका कौन सा मान रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कलर का नाम लिखना है काला, काला का मान कितना होता है 0। वैसे ही और भी हम लोग आगे बताने वाले हैं। काला के नीचे लिखेंगे भूरा, भूरा का मान होता है 1, बोलेंगे लिखते जाइएगा भूरा का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैगनी का 7, धूसर का 8। धूसर रंग होता है, धूसर कलर होता है, उसका लिखना है 8। फिर लिखना है सफेद, सफेद का मान होता है 9। चलिए अब हम लोग एक आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। दोस्तों ये कार्बन प्रतिरोध, हम आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाले हैं जो आप पहले भी हर एक तरह का उपकरण में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देखे होंगे, आपके मोबाइल फोन को खोले होंगे उसमें भी मिला होगा, चार्जेबल जो होता है चार्जर उसके अंतर्गत भी लगा रहता है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, आपको ये प्रैक्टिकली हम करके दिखाने वाले हैं कि क्या होता है कलर कोड, कलर कोड का मीनिंग क्या है। तो हम रखे हुए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। चलिए ये आप देख पा रहे हैं, कैमरा के सामने ले जाते हैं, बहुत छोटा उपकरण है और इसका बहुत यूज है और आपको साफ से दिखेगा। देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल फिर से प्रॉब्लम। तो एकदम छोटा सा एक प्रतिरोध है, दिख पा रहे होंगे, देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, बहुत छोटा सा रहता है, हर एक चार्जेबल बैटरी में रहता है, हर एक उपकरण में ही रहता है। और इसमें आपको दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा है और वहां से वीडियो को रिकॉर्ड करना सामने भी ले जा रहे हैं आपके सामने, तो ये थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा अच्छा से। तो ये आप देखेंगे तो इसके लेफ्ट साइड राइट साइड अलग अलग तरह का कलर होता है, इसमें धूसर है, रेड है, व्हाइट है, हरा है, ब्लू है, नीला है, तो इसमें हर एक तरह का कलर है राइट। और इसका मीनिंग है, यही आपका कलर कोड है, ये आपका कलर कोड है, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर भी सिंपली वे में हम लोग बोल सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इसको आप देखेंगे, इसको रखने का तरीका, अगर मान लिया इसको अगर लेफ्ट तरीके से अगर आप ऐसे रखते हैं, ऐसे रख के देखेंगे तब इसका वैल्यू कुछ और होगा। यानी कि चूंकि बहुत छोटा है तो हम आपको दिखाने में असमर्थ हैं, लेकिन ऐसा ही होता है कलर कोड, ऐसा होता है, बिल्कुल छोटा छोटा होता है। और ये टूट चुका है, इसके दोनों ओर लंबा एक वायर होता है, तो सबका कलर होता है। और ये जो कलर कोड होता है एक प्रतिरोध के रूप में होता है, और दूसरी बात जो हम आपको लिखवाए हैं सबका वैल्यू याद रखना चाहिए, जैसे काला का 0, दूसरा का काला के बाद हम लिखवाए होंगे भूरा, भूरा का 1, लाल, तो वैसे ही सबका वैल्यू यूज कर आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका वैल्यू कितना है। अच्छा, ये एक प्रतिरोध है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इस प्रतिरोध का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में।
यानी कि विद्युत परिपथ में यूज किया जाता है। अब इसका फिगर कैसा होता है तो फिगर जरा बना लेंगे। फिगर होता है बहुत पतला होता है, दोनों तरह का होता है और इसमें अलग अलग तरह का फिगर होता है, कलर होता है। ये देख पा रहे होंगे कलर है, ये हम डिनोट्स कर दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है ये जो, जैसे मान लिया कि उस प्रतिरोध को हम लोग ऐसे पकड़ेंगे तो हम लोग बाएं तरफ से जो होगा इसको बोलेंगे फर्स्ट बैंड, इसको बोलेंगे फर्स्ट बैंड, फर्स्ट बैंड। इसको बोलेंगे सेकेंड बैंड, इसको बोलेंगे थर्ड बैंड और इसको बोलेंगे फोर्थ बैंड। जितना भी कलर हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है कि किसी किसी प्रतिरोध में ज्यादा भी होता है, किसी किसी में कम भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो एक कलर कोड होता है, एक प्रतिरोध होता है, अगर हम इसको बाएं तरफ से पकड़ेंगे तो बाएं तरफ से स्टार्ट करना है नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव। अगर मान लिया जाए कि इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, इसको हम लोग ऐसे पकड़ते तो तब उधर से मेरा नंबर वन ये हो जाता बाएं साइड से और फिर टू होता नंबर थ्री, नंबर फोर। यानी कि कोई भी अगर कलर कोड है, मतलब कलर वाला प्रतिरोध है, तो एक जैसे नहीं होता, सबका अलग अलग कलर होता है और उस कलर से ही उसका प्रतिरोध हम लोग निकाल सकते हैं देखकर। अब चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लिया एग्जांपल में कि हम लोग फिगर ऐसे हैं, ये फिगर है और इस फिगर यानी कि एक तरह का प्रतिरोध है और यहां पे दिया है रेड, यहां पे कौन सा कलर है रेड, यहां पे दिया है व्हाइट, यहां पे व्हाइट और यहां पे दे दिया, यानी कि फर्स्ट में दिया है रेड, सेकेंड में दिया व्हाइट और थर्ड में दिया ब्लू नीला। और तब हमको पूछा जा रहा है, मैक्सिमम ही हमको चार तरह का भी फिगर रंग रह सकता है, चौथा, पांचवा, छठा, कई तरह का रंग रह सकता है, लेकिन हमको बाएं तरफ से मात्र तीन गुका लेना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इधर का यूज नहीं होता है। यानी कि कोई भी अगर कलर कोड वाले प्रतिरोध का, कलर कोड का प्रतिरोध का अगर हमें वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सबका कलर दिया हुआ रहेगा, तो हमेशा बाएं साइड से लेंगे, बाएं साइड का तीन रंग लेंगे। यानी कि इस मार्कर को पकड़ने का दो रूल हो सकता है, एक हम इधर से पकड़ेंगे तो मेरे तरफ से यहां बाएं तरफ से इधर इधर होगा, अगर हम इधर से पकड़ेंगे तो बाएं तरफ से इधर इधर होगा। यानी कि ये जो कलर कोड होता है इसको पकड़ने पे डिपेंड होता है कि आप किधर से इसको पकड़ रहे हैं, और हमेशा बाएं तरफ से तीन कलर लिया जाता है। और तीन कलर में कौन कौन सा, तो कोई सा भी, अगर यहां रेड रहेगा तो रेड नंबर वन होगा, दूसरा पे व्हाइट, तीसरा पे ब्लू, कुछ भी हो सकता है कलर। तो अब हम लोग रेड का वैल्यू कितना, तो रेड का नंबर हम लोग वैल्यू लिखे हैं दो। तो रेड का इसका प्रतिरोध निकालने के लिए कैसे करेंगे, प्रतिरोध तो रेड का कितना होता है दो, तो दो लिखेंगे। उसके बाद दो हो गया, उसके बाद दूसरा नंबर पे व्हाइट है तो व्हाइट का वैल्यू कितना नाइन, तो यहां व्हाइट का लिखेंगे नाइन। और इनटू लिखा जाता है थर्ड वाला, थर्ड में कौन सा है ब्लू, तो ब्लू का वैल्यू यानी कि नीला, तो नीला का वैल्यू सिक्स, तो यहां हो जाएगा दस के पावर सिक्स। यानी कि टोटल मिलाकर देखा जाए तो फर्स्ट वाला सेकेंड वाला का जो प्रतिरोध है उसका वैल्यू डायरेक्टली पुट किया जाता है और तीसरा वाला जो कलर है उसको हम लोग टेन के पावर में लिखते हैं। टेन तो लिखना ही है तीसरा के लिए और ब्लू का वैल्यू यानी कि नीला का वैल्यू छह होता है तो टेन के पावर छह। तो टोटल इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 29 पर 60 ओम, राइट आंसर। अच्छा और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिया हुआ है फिगर, फिगर दिया हुआ रहता है। जैसे मान लिया कि कलर कोड ये है, प्रतिरोध ये दिया हुआ है, एक तरफ यहां पीला दिया हुआ है
पीला दिया है, फूल दिया है नीला, इसका नाम है नीला, फिर इसका नाम है लाल, इसका नाम है हरा, और ये एक इतना ही है। हो सकता है कि चार रंग के बजाय पांच छह सात आठ कितना भी कलर रहे, लेकिन हमको जो है बाएं साइड से तीन ही रंग चाहिए। तो तीन रंग में कौन कौन सा है, अब बोला जा रहा है कि प्रतिरोध निकालिए। तो प्रतिरोध कैसे कैसे निकालेंगे, तो बाएं साइड के पहले नंबर पे पीला है, और पीला का नाम आप पीला का मान आपको याद रहना चाहिए कि पीला का मान कितना लिखवाए हैं, तो पीला का वैल्यू लिखवाए हैं चार, और नीला नीला का वैल्यू लिखवाए हैं छ, छ लिख दिए। इनटू तीसरा नंबर पे क्या है, लाल, तो तीसरा वाला पे जो रहता है लाल उसका वैल्यू 10 के पावर में लिखते हैं, 10 के पावर 2, यानी कि 46 × 10^2 100, तो यहां हो जाएगा 4600 ओ। इस तरीके से जो हम लोग को कलर कोड रहेगा उसको हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि फिगर देखकर, और ये फिगर हम आपको दिखाई है कि कैसा रहता है, कलर कोड जो रहता है वो ऐसा रहता है जिसमें अलग अलग तरह का कलर आपको देखने में प्रॉब्लम बहुत सारा छोटा रहता है, ये हर एक उपकरण में रहता है। तो चलिए हम आप लोग को वर्क्स देते हैं, इसको क्या करना है, आपको कलर कोड दिया हुआ रहेगा फिगर, और फिर आपको उसका प्रतिरोध निकालकर दिखाना है। तो चलिए आप इन सारे सवालों का जो हम अभी देने वाले हैं उसको सबको नोट कर लीजिए, और फिर सबका आंसर आप सेंड कीजिएगा। तो पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल, टोटल सवाल हम यहां पे लिखते हैं। पहला सवाल ऐसा है, ये फिगर से ही बनता है, फिगर आपको दिया हुआ रहेगा, और फिर आपको प्रतिरोध निकालना है सबका कि कितना कितना किसका प्रतिरोध होता है, सबका कितना कितना प्रतिरोध होता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो हरा है, फिर यहां पे पीला है, फिर यहां पे नीला है, फिर यहां पे लाल है, फिर यहां पे उजला है, व्हाइट, व्हाइट उजला है, फिर यहां पे क्या है, तो काला है, यहां पे काला ब्लैक, फिर यहां पे धूसर है, धूसर, फिर यहां पे हरा है। यहां पे बात करें तो सफेद यानी कि उजला, सफेद, फिर नीला, फिर आगे तो नारंगी, फिर आगे बैंगनी, फिर आगे अगर बात करें तो सबका कलर वैल्यू दिए गए हैं, हरा, फिर दूसरा में है नारंगी, तीसरा में है लाल, चौथा में है भूरा, इसमें है भूरा, पीला, हरा। तो ये एक लास्ट टॉपिक था जिसमें हम लोग कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पढ़ रहे थे, यानी कि इस सवाल में जो होता है कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है, कलर को देख करके उसका प्रतिरोध निकालना होता है। तो ये जो सारा सवाल है इसको आप जरूर बनाकर और कमेंट बॉक्स में, कमेंट में या फिर ग्रुप में आप इसको सेंड कीजिएगा, ताकि हम वहां से डिसाइड कर सके कि किसका सही है या किसका गलत है। तो आप इन चीजों को, इन सवालों को पूरे तरीके से नोट कर लीजिए, और फिर हम इसको चेक करेंगे। और ये जो चैप्टर चल रहा था हम लोग का, वो विद्युत परिपथ और क्रिकहॉफ का नियम, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है,
अब जो हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि अगले चैप्टर का हम लोग शुरुआत करेंगे अगले दिन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले चैप्टर न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।